वेलकम टू माय क्लास चैनल। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर सबसेट में और इम्प्रॉपर सबसेट में, क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको सिंपल जो कॉन्सेप्ट है मेन वो बता देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन से देख लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि उसी की ये टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। थोड़ा सा पहले सबसेट का कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसेट में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट्स हों, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट्स हों, जैसे 1 2 3 इधर है तो 1 2 3 इधर भी है, तो हम बोलते हैं ए सबसेट है सेट बी का। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में भी हों तो हम बोलेंगे सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, किसकी, सबसेट की, जो अभी हमने देखा सबसेट। अच्छा जी, प्रॉपर सबसेट में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, अभी हमने जो सबसेट का कॉन्सेप्ट देखा वही इसका है, लेकिन थोड़ा सा आगे चेंज है। सबसेट में हमने देखा ना सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हों तो वो सबसेट है, इसमें यह सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हों लेकिन सेट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो। देखिए बी सी डी इधर है, बी सी डी इधर है, लेकिन ए और ई इधर इधर है, सेट बी में, सेट ए में तो नहीं है ना। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हो लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट सेट बी का हो जो कि इसमें ना हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट जो सेट बी में हो वो सेट ए में ना हो, तो फिर हम बोलते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का, सही है। डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सेट ए सबसेट हो सेट बी का और सेट बी सबसेट हो सेट ए का, ठीक है। तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। कैसे, सबसेट में हमने ये कहा था कि ए के जो ए सेट ए के एलिमेंट्स हो सेट बी में हो, तो कह रहे हैं ए सबसेट हो सेट बी का और सेट बी भी सबसेट हो सेट ए का, मतलब ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट सेट ए में हो, तो फिर ये एक दूसरे के क्या आगे, इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। यहाँ पे देखो 0 2 4 6 है, इधर भी 0 2 4 6 है, लेकिन आगे पीछे है, लेकिन है तो सारे वही एलिमेंट जो इसमें हैं वही इसमें है, तो तमाम एलिमेंट्स ए के जो हैं वो सेट बी में भी हैं, सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स सेट ए में हैं, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट आ गए। अब जो है थोड़ा सा डेफिनेशन से कर लेते हैं, मेन तो आपको समझ आ गया ना सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हमने ली ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, इसके अलावा ये भी। तो ए सबसेट तब होगा सेट बी का अगर तमाम एलिमेंट सेट ए के सेट बी में भी हों। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन सेट ए जो है वो हम कहेंगे सबसेट है सेट बी का। इसको इस तरह से लिखते हैं ए सबसेट बी, सिंबल जो है स्टैंड क्या करता है ए, इसको पढ़ते हैं इज़ ए सबसेट ऑफ बी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेयर वी कैन सी डेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देयर फॉर ए सबसेट है सेट बी का। नोट करना है तो आप इधर से इधर तक कर लो पहले और फिर नीचे आ जाओ, सबसेट हो गया। अब टाइप्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में हमने ये पढ़ा था ना कि तमाम एलिमेंट सेट ए के सेट बी में भी हों लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो सेट बी में जो सेट ए में ना हो। तो ये देख लो, आ सेट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, तब होगा ए सेट प्रॉपर सबसेट सेट बी का अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्स इन द सेट बी, तमाम एलिमेंट सेट ए के सेट बी में भी हों बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट सेट बी में हो जो सेट ए का एलिमेंट ना हो, तो हम इसको कहते हैं कि इट डी नॉट, इस तरह से करते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, एंड रीड ए सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। हेयर वी कैन सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट सेट जो ए के हैं वो सेट बी में भी हैं लेकिन सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में है लेकिन सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, इस तरह से इसको लिखते हैं। और इम्प्रॉपर में हमने क्या पढ़ा था कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट सेट ए में हो, मतलब सेट ए सबसेट हो सेट बी का और सेट बी भी सबसेट हो सेट ए का, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे देखो, इफ़ सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का और सेट बी भी सबसेट है सेट ए का, देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, देन ए और बी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है, और रीड सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, फॉर एग्जाम्पल
ये देखें जो इसके एलिमेंट्स हैं वही इसके बस आगे पीछे है, यहाँ पे 0, 2, 4, 6 से है, इधर भी वही है। फिर वी कैन सी हम यहाँ पे देख सकते हैं ए एंड बी सबसेट्स हैं एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वही सारे इसके हैं, जो इसके हैं वही सारे इसके हैं। ए और बी जो है एक दूसरे के सबसेट्स हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी एंड सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कंटेन्ड इन सेट ए, देयरफॉर ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अच्छा अब इसको नोट करना है अगर, तो पहले यहाँ तक कर लो प्रॉपर सबसेट, फिर नीचे आके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे नोट कर लो। इसको नोट करना है तो यहाँ तक कर लो पहले एग्जांपल तक, और नीचे आ जाओ फिर ये प्रॉपर डेट। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है सबसेट का और इनका डिफरेंस क्या है प्रॉपर इम्प्रॉपर का। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।